हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जर्नल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2022 दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए आपकी तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डेट आ चुकी है कि आपकी जो तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट यानी आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो कब जारी होगी, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का पहली वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है, जिन्होंने फीस जमा करा दी है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो वो भी अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। तो आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर हमें जो कॉलेज मिली है वो दूर मिल गई है तो क्या हम अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। कुछ बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे थे, सर तीसरी भी लिस्ट आएगी क्या, चौथी भी लिस्ट आएगी क्या। तो अपडेट आ चुकी है, सभी विद्यार्थियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो आपकी यहां पर जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हुई थी, उसमें जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनको अब क्या करना है, अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, आपने फी जमा करा दी है, तो अब आप जो है अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। काफी समय से अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब शेड्यूल आ चुका है। इसका मतलब यह है आपकी एक और लिस्ट और आउट होगी यहां पर। तो डेट मैं आपको बता देता हूं कि डेट 14 तारीख से लेकर 14 नवंबर से लेकर और इसके अलावा जो है आपका 16 नवंबर शाम 5 बजे तक आप क्या करा सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। शाम 5 बजे तक आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, डेट का स्पेशल आप लोग ध्यान रखना, अपवर्ड मूवमेंट की जो डेट है आपकी वो कब से कब तक है। तो ये डेट आपकी है 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। अब हम बात करें अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा उसके बाद इसका लिस्ट कब आउट होगी, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है, जो अलॉटमेंट लेटर है, वो आपका आएगा 18 नवंबर को। आपको पता लग जाएगा कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है। और इसी लिस्ट के साथ में, अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ में ही आपकी सेकंड जो यहां पर वेटिंग लिस्ट है वो भी आउट हो जाएगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट बोल दो या थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट बोल दो, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिली है उनकी यहां पर एक और लिस्ट आने वाली है। जी हां, जिनको यहां पर बिल्कुल भी कॉलेज नहीं मिली है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, जिनके नंबर कम है, तो एक और आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ रही है। यह डेट घोषित हो चुकी है। तो यहां पर 18 नवंबर को आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट या थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो अपवर्ड मूवमेंट है इसका भी यहां पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको फीस जमा करानी है, ठीक है। फीस आप जमा कराएंगे 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में आपको फीस जमा करानी होगी। तो 19 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में आपको जिनका भी सिलेक्शन होगा उसको फीस जमा करानी होगी सेकंड वेटिंग लिस्ट में। और इसके अलावा फिर आपको कॉलेज में जाना होगा और कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और कॉलेज में रिपोर्टिंग की जो डेट है, कॉलेज में जो रिपोर्टिंग की डेट है वो आपकी रहेगी यहां पर 19 तारीख से लेकर 24 नवंबर तक आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग रहेगी। तो ये पूरा आपका शेड्यूल यहां पर जारी हो चुका है। मैं वापस से बता देता हूं, ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिली है तो एक और आपकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो उसमें आपका नंबर आ सकता है, जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स रह गए थे। तो ये लिस्ट आपको पता लगेगी 18 नवंबर को, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे उनका रिजल्ट भी 18 तारीख को आ जाएगा। उन सभी विद्यार्थियों को फीस जमा करानी है 19 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में, और कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। यह डेट आपको याद रखना। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम तो आ गया, फीस भी जमा करा दी, लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आया, क्या दूर है या मैं जा नहीं सकता, मुझे चेंज करवाना है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। 14 तारीख से आपका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है ना। और 16 तारीख के शाम 5 बजे तक आप लोग करवा सकते हैं। तो काफी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे, सर कोई और लिस्ट भी आएंगी क्या, यहां पर दूसरी तीसरी लिस्ट के बाद में और लिस्टें भी आएंगी क्या। बिल्कुल आएंगी, जब तक आपकी सीट वैकेंट है तब तक लिस्ट आती रहेंगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी। लेकिन जिनका नंबर आ जाए वो अपना एडमिशन ले लो, क्योंकि एडमिशन होना ही बड़ी बात होती है पीटीटी के अंदर, और साइंस में तो स्पेशली बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर आपको जो है कॉलेज अलॉट करवा लेना है और इसमें रिपोर्टिंग करवा लेनी है। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना ही रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, पूरा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, शपथ प्रमाण पत्र हो गया आपका, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा जो यहां पर आपके जो रंगीन फोटो है पासपोर्ट साइज, और इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनवाने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता रखे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपके पास चालान होना चाहिए,
5000 का जो आपने चालान जनरेट किया था, इसके अलावा जो 22000 का आपने फीस जमा कराई है, उसका भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होंगे, ऑफलाइन आपको रिपोर्टिंग करना होगा, कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका फाइनल एडमिशन डन होगा। तो सारी डेट मैंने आपको बता दी है। कुल मिला के बड़ी खुशखबरी यही है कि आपकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट यानी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आने वाली है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनका काउंसलिंग प्रक्रिया तो करवाई थी लेकिन कॉलेज नहीं मिल रही है, नंबर कम है, कॉलेज अलॉट नहीं होगी, तो उनको फीस रिफंड को लेकर यहां पर जो है अपडेट है, तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जो फीस रिफंड है उसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे, और वो तब भरवाए जाएंगे जब आपकी जो प्रक्रिया चल रही है, जो यहां पर आपकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपको सबमिट करनी होगी, और आपके यहां पर कुछ 200-300 रुपए कटके आपकी जो पूरा फी है वो रिफंड हो जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।